देश भर में साधु और संत इस वक्त लगातार निशाने पर हैं। अभी महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग का मामला थमा भी नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से ऐसी ही खबर सामने आ गई। खबरों की माने तो सोमवार देर रात यूपी के बुलंदशहर में दो साधुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद यहाँ पर दहशत का माहौल है। इस हत्या के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा भी है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली के गांव पगोना में शिव मंदिर के पीछे करीब 10 सालों से साधु जगन्नाथ और सेवादास रहते थे। दोनों साधु मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। बताया जा रहा कि देर रात मंदिर परिसर के अंदर ही दोनों साधुओं की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मंगलवार को जब गांव वाले सुबह मंदिर पहुंचे तो साधुओं के शव खून से लथपथ मिले। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। अभी तक इस घटना के पीछे के कारण का पता नहीं चला है। इन साधुओं से किसी की कोई रंजिश नहीं है। वही पुलिस ने शक के आधार पर गांव के एक युवक को गिरफ्तार किया है। अपराधी किस्म का ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। गांव में आज एक दुखद घटना हुई है। दो बाबा एक शिव मंदिर पर जगदीश उर्फ रंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक रेडी व्यक्ति बुराड़ी उर्फ राजू, जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और दो दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर इसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात को किसी समय जा करके तलवार ले इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह लोगों ने गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गांव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गांव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में, बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पर मैं पहुँच रहा हूँ। कानून व्यवस्था एक समस्या फिलहाल नहीं है। प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था और अपशब्द कहे थे। संभवतः उसी कारण और तनाव में आकर के अर्धविक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। फिलहाल अभी कब्जे में है और अभी नशे में है। पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले दो साधुओं की पीट पीट कर महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई थी। बीते 17 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु और एक ड्राइवर की करीब 200 लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बताया जाता कि भीड़ ने इको वैन में बैठे दोनों साधु और उनके ड्राइवर को चोर समझ लिया था और फिर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी।